इस ऐप को अगर आप देख रहे होंगे तो वाकई पहचान तो जरूर गए होंगे कि यह एक पी एम्प है। ठीक है, पी एम्प होने के बाद मैं इसके मॉडल को बता देता हूँ। ये काफ़ी फेमस कंपनी और काफ़ी रिलायबल है, अहूजा 250 एम। इस बोर्ड या इस एम्पलीफायर में बने हुए हर पार्ट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 250 वाट होने के बावजूद भी ये काफ़ी कैपेबल होता है लंबे टाइम तक यूज करने के लिए। काफ़ी रगेड बनाया जाता है, पार्ट्स कंपनी काफ़ी अच्छी किस्म की यूज करती है, ओरिजिनल यूज करती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि इसमें जो ब्लूटूथ लगा हुआ है ये काफ़ी पुराने टाइम का है। ये स्विच है, ये आपका पेन ड्राइव और ये मेमोरी कार्ड जो आती है बड़ी वाली, उसके लिए डिस्प्ले काफ़ी अच्छी नीली कलर की जलती थी, अच्छी लगती थी, मगर ब्लूटूथ ना होने के कारण इसको आप किसी भी ब्लूटूथ सोर्स से जोड़ नहीं सकते थे। ब्लूटूथ की बात थोड़ी देर में करते हैं, पहले जानते हैं कि अगर इस तरह के ऐप में अगर कोई बोलता है कि ये 300 वाट का है तो मैं बाहर न लिखा हो, मैं समझना चाहूं कि एक्चुअल में इसको मैं डिफाइन कैसे करूं कि ये कितने वाट का है। तो आप यहां ध्यान देंगे दोस्तों, तो यहां पे आपको पेयर दिख रहे होंगे ट्रांजिस्टर के, 1 2 3। सेम इसी तरह का यहां भी है, 1 2 और उसके नीचे 3, तीन तीन पेयर यानी टोटल 6 हो गए। और एक पेयर 1943 और 5200 जो ट्रांजिस्टर आते हैं जिसको लोग मॉसफेट भी कहने लगे हैं, जो आते हैं वो 100 वाट की आउटपुट आपको देती है। यानी जो आउटपुट इस ट्रांसफार्मर को इन देता सप्लाई देता है या इससे जो आउटपुट हमें मिलती है, इसके प्राइमरी साइड में जो हम इनपुट दे रहे हैं वो 300 वाट की है। 250 वाट इसके लॉसेस के साथ कैलकुलेट करके परफेक्टली 250 वाट ये बनाई जाती है। एज यूजुअल ये पावर ट्रांसफार्मर है आपका, इसमें आपका इनपुट है और आउटपुट है, आउटपुट इस तरफ इनपुट उस तरफ है। बनावट की तो बात कही नहीं जा सकती क्योंकि बनावट इतनी खूबसूरत होती है कि जो कि कहीं मतलब और भी एम्प में इस तरह की बनावट कम ही देखने को मिलती है, लेकिन इसमें इसकी बनावट ही इसकी खासियत है। इसमें एक थोड़ा सा ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये कॉपर है, कॉपर यूज किया गया है, कॉपर से सील्ड किया गया क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड्स इसमें डेवलप होती है तो मैग्नेटिक फील्ड्स इस ऑडियो एम्पलीफायर में मतलब इनक्लोजर के थ्रू, मतलब इस तरह के इनक्लोजर के थ्रू बंद कर दिया जाता है ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर ज्यादा नहीं इन चीजों पे इफेक्ट डाले, मतलब नॉइज क्रिएट न हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल सीधी सी बात है नॉइज क्रिएट न हो। ब्लूटूथ की बात करूं तो इस ब्लूटूथ में कोई बड़ी चीज नहीं है, ब्लूटूथ ही है सिंपल। मार्केट में लेने के लिए आपको ये अहूजा मॉडल बोलिएगा तो 2-3 मॉडल आते हैं इसमें अहूजा के। डिस्प्ले के कलर अलग होते हैं, एक माइक आता है, एक बिना माइक का भी आपको मिल जाएगा। इसकी बात करूं तो इसमें आप अगर देखोगे दोस्तों तो ये जो ब्लूटूथ है इसमें अलग क्या है, और भी ब्लूटूथ आपने देखे होंगे और ब्लूटूथ सर्किट देखा होगा, इसमें अलग ये कहना चाहूंगा कि इसमें अगर आप जितने भी ब्लूटूथ अभी तक देखे होंगे दोस्तों वो 12 वोल्ट से चलती है, मगर ये ब्लूटूथ खासतर देखिएगा, मैं दिखाना चाहूंगा। ये सर्किट देखिए, ये इसकी इनपुट सप्लाई है और यहाँ पे एक माइक्रोचिप आईसी है, ये इंडक्टर क्वाइल है। इस पूरे कॉम्बिनेशन से मतलब ये सर्किट एक तरह से एक पावर रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, रिलायबल। इससे एक फायदा होगा आपको कि 7805 जो कि ब्लूटूथ के लिए लगाते हैं वो नहीं लगानी, जेन्युइन है वो ज्यादा खर्चीली नहीं होती। लेकिन इससे और फायदा क्या होता है इसकी बात करूं तो सबसे बड़ी चीज इसमें ये होती है कि इस तरह के सर्किट से जो हमें नॉइज की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अक्सर आप ब्लूटूथ लगाओगे एम्प में तो नॉइज की प्रॉब्लम आएगी आएगी, ये इनका इंडिविजुअल 7805 लगा के कितने अच्छी तरह हीटसिंग से लगा के पीएफ कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस के थ्रू पूरी तरह से फिल्टर करके आउटपुट यहां पे दिया हुआ है। रेड वायर यहां जुड़ी थी, मैंने यहां जोड़ा है। इसका कारण यह है कि ये जो मेरा ब्लूटूथ है ये ब्लूटूथ 12 वोल्ट पे भी चल सकता है, 15 वोल्ट तक ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेफली चलाने के लिए 15 वोल्ट के अंदर ही रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी वोल्टेज चेक करा देता हूं आपको, इसमें इसकी वोल्टेज कितनी आती है। इसकी वोल्टेज की बात करूं, एम्प को ऑन करता हूं, एम्प आप वोल्टेज सप्लाई देखिए, यह मल्टीमीटर पे यहां पे आपको ये 4.8 लगभग 5 वोल्ट के करीब आ रही है।
जो मैंने ब्लूटूथ को दिया है वो 13 वोल्ट है। तो रोबर्ट मैं इस ब्लूटूथ पर भी चेक करा देता हूं आपको, ठीक है। ये रहा, इस तरफ आपको 13 वोल्ट मिल जाएगा, दो पिन है, 13.6। 15 वोल्ट तक इस ब्लूटूथ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं इसको थोड़ा सा माउंट कर दूं। इस ब्लूटूथ को लेने से एक फायदा ये है दोस्तों कि अगर एम्प में अगर जेन्युइन ब्लूटूथ लगाते हैं, जिसमें 78.5 लगा के हम बनाते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होती। बस प्रॉब्लम ये आता है कि एक अलग से ब्लूटूथ की सक सक की आवाज या नॉइज एक डेवलप हो जाती है, जिससे कि हमेशा वो डिस्टर्ब ही करती है आवाज के साथ में। इसलिए इस तरह का ब्लूटूथ यूज करके आप नॉइज फ्री हो सकते हैं। वायरिंग में ध्यान रखने की बात यह है दोस्तों कि मैंने क्या किया कि वायर भले ही जैक इसके नहीं थे इसके लायक, लेकिन मैंने जो भी वायर जोड़े हैं वो हीट सिंक स्लीव के साथ ही जोड़े हैं, क्योंकि ये रगेड एम्प फिर से किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे मेरे इस ब्लूटूथ लगाने के बाद। इसलिए प्रॉपर तरीके से कनेक्टिंग और वायरिंग की है। ये इसका बास ट्रेबल मॉड्यूल है जैसा कि इसमें जुड़ा हुआ है, और बास ट्रेबल कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, पीए एम्प में नॉर्मल होता है, क्योंकि पीए एम्प में जो बास उठती है दोस्तों, उसमें जानने की बात यह है कि ये जो बास आती है वो मिड रेंज की बास होती है, लो रेंज की बास नहीं होती। लो रेंज यानी 30-50 के अंदर नहीं होती, ये 50 से अबव की बास होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, वोकल के लिए काफी फेमस एम्प होती है। इसमें अंदर की डिजाइनिंग में कोई खास चीज तो है नहीं, रिपेयरिंग अगर इस तरह के प्रॉब्लम में आएगी तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। मैं इसके ऑडियो चेक करा देता हूं आपको ब्लूटूथ लगाने के बाद। मैंने ब्लूटूथ इसमें जोड़ रखा है, इसमें आपको दिखा देता हूँ ब्लूटूथ कैसे काम कर रही है और आवाज कैसी है। नॉइज की बात कर रहा था, मैंने वॉल्यूम को फुल कर दिया है, मास्टर भी फुल है, यूएसबी भी फुल है, ये इसमें किसी तरह की नॉइज आपको सुनने को नहीं मिलेगी। इसमें ये फायदा और ये ध्यान रख के मैंने डाला था ब्लूटूथ कि आपको किसी तरह की नॉइज या इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है तो सेलेक्ट करके मार्केट से ये आसानी से 250-300 के रेंज में मिलती है ब्लूटूथ। आप इसको अगर अच्छा लेंगे तो 350 तक आ जाएगी, मतलब लगभग 350-400 के अंदर आती है अच्छी क्वालिटी की, जो मैंने लगाई है ये वाली। इसमें मॉड्यूल अलग आते हैं, कलर डिस्प्ले के अलग आते हैं। ब्लूटूथ की नॉइज से बचने के लिए इस तरह का ब्लूटूथ यूज करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगला एक बड़ा एम्प तैयार करके आपको दिखाऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट थी कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज काफी दोस्तों का मेरा सपोर्ट मिला है और काफी लोगों ने मुझे सराहा भी है, तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का वीडियो पूरा देखने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।